ओके सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन देखते हैं द वैल्यू ऑफ ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार इज कितना होगा वैल्यू उसका जो क्वेश्चन है उसको मैं लिख लेता हूं ए बार प्लस बी बार और ये क्रॉस है ए बार माइनस बी बार तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन को यूज करके मैं ब्रैकेट ओपन कर सकता हूं ठीक है जी ओपन कर लेते हैं तो पहले जाएगा ए बार ए बार के साथ मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा ए बार क्रॉस ए बार 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 के साथ तो क्रॉस क्रॉस प्लस उसके बाद माइनस बी बार क्रॉस बी बार यहां तक सबको समझ गया मैथमेटिक्स की तरह तरफ में मैंने ओपन किया है ए बार क्रॉस ए बार दो इक्वल वेक्टर उनके बीच का एंगल कितना होगा जीरो होगा इक्वल वेक्टर पैरेलल होते हैं एंगल जीरो बनेगा एंगल जीरो बना साइन जीरो जीरो हो जाएगा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट पूरा का पूरा आ गया जीरो जो बचा है वो लिख लेते हैं ए बार

पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस ए बार क्रॉस बी बार को क्या मैं बी बार क्रॉस ए बार लिख सकता हूं प्लस बी बार क्रॉस ए बार दैट मींस इट बिकम हाउ मच टू टाइम्स ऑफ बी बार क्रॉस ए बार सो ऑप्शन ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट होगा समझ गया ये नेक्स्ट किसी को डाउट है इसमें